Redmi Note 7 import and export contact to Gmail settings। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तेकी राज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप कैसे Redmi Note 7 के फ़ोन पर कॉन्टैक्ट्स को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, Gmail अकाउंट पर। तो दोस्तों, यदि आप जानना चाहते हैं कि आप कैसे Redmi Note 7 के फ़ोन पर इंपोर्ट कर सकते हैं या तो फिर एक्सपोर्ट कर सकते हैं कॉन्टैक्ट्स को, तो वीडियो के साथ बने रहेगा, ठीक है। और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और दोस्तों, यदि आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो आप हमारा वीडियो डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ में बताया कि आप कैसे कॉन्टैक्ट नंबर को इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं जीमेल में, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, मैं आपको यहाँ में पूरा सेटिंग्स जो है बता दूंगा, ठीक है। मैं आपको यहाँ में जो है एक्सपोर्ट तो नहीं करूँगा क्योंकि मैंने यहाँ में ऑलरेडी जो है एक्सपोर्ट वो सब कर दिया, ठीक है। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में पूरा सेटिंग्स जो है आपको स्टेप बाय स्टेप समझ या मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों आपको जाना है आपके कॉन्टैक्ट्स पर। तो कॉन्टैक्ट्स पर आप जाइए, ठीक है। कॉन्टैक्ट्स पर जाते ही दोस्तों आपको या मैं ऊपर जो है दोस्तों यहाँ में थ्री डॉट्स मिलेगा। तो यहाँ थ्री डॉट्स में क्लिक कर दीजिए, ठीक है। थ्री डॉट्स में क्लिक कर दीजिए, आप सबसे पहला ऑप्शन जो है देख सकते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कॉन्टैक्ट्स। तो सिंपली आपको यहाँ में टैप कर देना है, ठीक है। टैप कीजिए, उसके बाद दोस्तों आप यहाँ में देख सकते हैं इसका जो है यहाँ में आप इम्पोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ से इम्पोर्ट कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ से जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ में दोस्तों इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या होता है मैं आपको ये भी बता दूंगा कि आप इस वीडियो को जो है देखते रहिएगा, ठीक है। तो यहाँ में दोस्तों इंपोर्ट क्या होता है, ठीक है। आप यहाँ में देख सकते हैं इंपोर्ट फ्रॉम स्टोरेज, तो यहाँ में क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप यहाँ में देख सकते हैं आप जो है लोकल डिवाइस से इम्पोर्ट करके अपना जो सिम या तो फिर फ़ोन है उसमें आप ला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ में दोस्तों आप यदि यहाँ में दोस्तों आपने जो यहाँ में ईमेल एड्रेस में जो नंबर सेव किया है तो आप उसको भी अपना जो फोन है डिवाइस है उसमें ला सकते हैं, ठीक है। यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इंपोर्ट का मतलब यही होता है कि आप यहाँ जीमेल अकाउंट से जो है अपने डिवाइस में जो नंबर है उसको आप ला सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ में सिंपली टैप कर देना है, आपका ये जीमेल में जो है टैप कर देना है, तो उस जीमेल पर जितने भी नंबर है वो आपके फ़ोन पर इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तरह से आप इस तरह से जो है आप यहाँ में ये कर सकते हैं। तो यहाँ में दोस्तों इंपोर्ट फ्रॉम सेटिंग ये भी सेम ही है। यदि आपका सिम पर्स नंबर है और आप उसको अपने मोबाइल पर जो है लाना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ में सिम पे जितने भी नंबर से वो आपके फ़ोन पर जो है इंपोर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप इसको यहाँ में सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आते हैं नीचे एक्सपोर्ट में, ठीक है। वो ऊपर वाला हो गया आपका इम्पोर्ट का और नीचे वाला है आपका एक्सपोर्ट का। तो दोस्तों आपको यहाँ जो है एक्सपोर्ट टू स्टोरेज में क्लिक करके देख लेना है, ठीक है। योर कॉन्टैक्ट लिस्ट विल बी एक्सपोर्टेड टू फाइल। तो यहाँ में दोस्तों एक्सपोर्ट का मतलब जो यहाँ में आपका जो कॉन्टैक्ट्स है वो सब एक फाइल में जो है बन के आपका एसडी कार्ड में सेव हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों आपको एक एसडी कार्ड होना यहाँ में ज़रूरी है। तो यहाँ में दोस्तों आप एसडी कार्ड लगाना होगा आपको यदि आप एक्सपोर्ट टू स्टोरेज करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ में दोस्तों आप ये सब कर सकते हैं, इसका सेटिंग्स वगैरह यहाँ में है, ठीक है। इसके लिए आपको ओके कर देना है, उसके बाद दोस्तों ये अपने आप जो है यहाँ में एक्सपोर्ट होते रहेगा, ठीक है। लेकिन आप यहाँ से जो है नंबर्स भी चूज़ कर सकते हैं जितने नंबर्स को आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप ये सब भी कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं एक्सपोर्ट टू सिम कार्ड, तो यहाँ में क्लिक करके देख लेते हैं। तो यहाँ में क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं एक्सपोर्ट टू सिम कार्ड टू, ठीक है। सिम कार्ड कैन स्टोर 67 कॉन्टैक्ट्स। तो यहाँ में दोस्तों क्या होता है कि आपका फ़ोन में जो दोस्तों आपका जितने भी नंबर्स है, ठीक है, आपके फ़ोन में जितने भी नंबर्स है वो सब आपके जो सिम है उसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। जितने भी नंबर्स आपके डिवाइस या फिर आपका जीमेल में है वो सब आपके सिम पे चला जाएगा। तो यहाँ में दोस्तों सिम पे इतना स्टोरेज नहीं होता है, ठीक है। आप यहाँ में देख सकते हैं 67 स्टोरेज, सिर्फ यहाँ में 67 कॉन्टैक्ट्स ही ऐड कर सकते हैं अभी, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको यहाँ में सजेस्ट करूँगा कि आप जीमेल में ही अब अपना जो कॉन्टैक्ट्स है सेट करके रख दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आता है आपका यहाँ में शेयर कॉन्टैक्ट्स। तो फिलहाल तो मैं आपको इसके बारे में जो है यहाँ में इतना नहीं बताऊँगा, ठीक है। यहाँ में दोस्तों क्या होता है, सिंपली आप अपने कॉन्टैक्ट्स को शेयर कर सकते हैं। तो यही है आपका शेयर कॉन्टैक्ट्स। तो उसके बाद दोस्तों मैं आपको यहाँ में जो है बता दिया है कि आप कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, थीके? आप कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं और कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो जो है समझ में आ गया होगा कि आपको अपना कॉन्टैक्ट जो है Redmi Note 7 के फ़ोन पर कैसे इंपोर्ट करना है और कैसे एक्सपोर्ट भी करना है, ठीक है। यदि आपको कोई भी कन्फ्यूजन रहता है
तो आप हमारा कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ में दोस्तों हम आपको जो है बताऊंगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।